दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर। यूपी में भारतीय जनता पार्टी का अंदर की गुटबाजी अब खुल के सामने आ रही है। अभी परसों एटा में के जो पूर्व सांसद रहे और प्रदेश के कद्दावर, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, प्रदेश के कद्दावर ओबीसी नेता रहे कल्याण सिंह, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्व बहुमत की सरकार बना पाई 1991 में, और राम मंदिर आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिस कल्याण सिंह को ने निभाई थी, उसको उसके पुत्र को योगी सरकार में आरोप लगाया है राजवीर सिंह ने कि भाजपा के अंदर खाने से मेरी हार का षड्यंत्र रचा गया। ये तो मामला एटे का था। देखिए, लोधी समाज के बड़े नेता थे कल्याण सिंह, हिंदू हृदय सम्राट थे, सब जानते हैं। जब योगी की उम्र 20 साल भी नहीं रही होगी तब कल्याण सिंह इस प्रदेश में ओबीसी चेहरा बन के हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एंबेसडर रहे, उस जमाने में जब नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के असिस्टेंट हुआ करते थे, उनकी रथ यात्रा में उनके सहायक हुआ करते थे। उस वक्त कल्याण सिंह ने अपने बलबूते उत्तर प्रदेश में भाजपा को पूर्व बहुमत की सरकार दिलाई थी। आज उनके बेटे को ऐसा शासन किया योगी जी ने कि भीतर घात, राजवीर सिंह ने बोला है कि भीतर घात किया गया और मुझे हरा दिया गया। ये तो एटा की सांसद की बात थी। आज बाल्यान ने, संजीव बाल्यान ने जो जो बोला मुजफ्फरनगर में, जबरदस्त रूप से बोला है कि क्या उन्होंने आरोप लगाया है। संगीत सोम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने नाम तो नहीं लिया बल्कि सब कुछ बोला कि मुझे मालूम है कुछ लोगों ने सपा के उम्मीदवार को लड़ाया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग पार्टी में रहे हैं और तमाम सुरक्षा घेरा लेके चल रहे हैं, हैं? उन्होंने पार्टी के विरोध में काम किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी ऐसे लोगों पे कार्रवाई करेगी। अब ये देखिए, एक तरफ चर्चा चल रही है, धुआंधार चर्चा चल रही है कि आरएसएस नाराज था, आरएसएस चाहता था कि नरेंद्र मोदी को सबक सिखाया जाए, ऐसी चर्चा चल रही थी। और देखिए, तमाम चीजों को आप जोड़िए, जो योगी के करीबी है संगीत सोम, सब जानते हैं योगी के बड़े करीबी है संगीत सोम, और संगीत सोम ने खुलकर प्रचार नहीं किया था संजीव बालियान का। संजीव बालियान ने भी आज सब कुछ बोला है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देख, तमाम जगहों पे राजपूत जो है वो गंगा जल लेके कसम खाते रहे कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। वही पूरी भारतीय जनता पार्टी से बात कीजिए तो ये कहेंगे 7 साल के योगी के शासनकाल में राजपूतों को जरूरत से ज्यादा हर चीज मिली है। ये योगी के ऊपर बड़ा आरोप लगता है और योगी के करीबी जान लगा माने जाने वाले संगीत सोम ने, संजीव बालियान ने कहा है, सब कुछ कहा है कि उन्होंने सपा के उम्मीदवार को लड़ाया है और तमाम तरह की बातें की हैं। ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी जबरदस्त गुटबाजी है, कितनी जबरदस्त गुटबाजी है। मुख्यमंत्री दिल्ली से आते हैं, कैबिनेट की मीटिंग करते हैं, दोनों मुख्यमंत्री उस मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं। ये है उत्तर प्रदेश में कोऑर्डिनेशन का हाल कि दो दो उप मुख्यमंत्री उनके साथ मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं। और तो और एक खबर चलवाई जा रही है, एक सज्जन है, पत्रकार है, बनारस के रहने वाले हैं लोग, कई लोग बता रहे हैं, उनका नाम हेमंत शर्मा है। एक साहब ने कह दिया कि हेमंत शर्मा जो है योगी से ज्यादा ताकतवर है। और ये सब जो खबरें प्लांट कराई जा रही है हेमंत शर्मा के खिलाफ, वो भी पता जा रहा है कि वो भी लोग योगी जी के बड़े करीबी है कुल। और वो यहां तक आरोप लगाया जा रहा है कि हेमंत शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी का में टिकट का बंटवारा किया है। जब यह बात मैंने कई लोगों से पूछी, कई लोगों ने कहा कि देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी में टिकट दिलवाने का ठेका कोई आदमी नहीं ले सकता है। ये आप समझ लीजिए कि टिकट जो दिया है वो हाईकमान ने दिया है। क्या क्या खबरें प्लांट कराई गई, पहले जैसे 4 जून को रिजल्ट आया था, खबर प्लांट कराएगी योगी जी ने 38 उम्मीदवारों को लिस्ट दी थी। अरे भैया, 38 उम्मीदवारों की जो लिस्ट दी थी आप कह रहे हो तो लिस्ट सार्वजनिक करा दो, तो वो लिस्ट आप सार्वजनिक कराओगे नहीं। और जबरदस्त खेमेबाजी है भाई साहब, संजीव बालियान, और ये बात मैं पहले से कह रहा था, मैंने तो उसी दिन कह दिया था जिस दिन जो है इस खेमेबाजी जमीन पे आ गई थी। याद करिए, अयोध्या में छोटी दीपावली के दिन, जिस दिन दीपोत्सव मनाया जाता है, उस दिन ओबीसी बिरादरी के भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े चेहरे थे, जिनको आगे कर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 का चुनाव लड़ा था, जी हाँ, केशव मौर्य की बात कर रहा हूं मैं, तब प्रदेश अध्यक्ष थे,
प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी और केशव मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने जबरदस्त प्रचार किया मोदी और शाह के साथ, उत्तर प्रदेश में भाजपा को 325 सीटें मिली। तब लोगों ने कहा कि आरएसएस के कहने पे, किसी के कहने पर अचानक से केशव मौर्य कटा के योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन उस सरकार में फिर भी केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया गया और उनको एक महत्वपूर्ण विभाग दे दिया गया पीडब्ल्यूडी। बाद में क्या हुआ सब जानते हैं, 2022 के चुनाव में कई लोग कहते हैं जो बात आज राजवीर कल्याण सिंह के बेटे राजवीर कह रहे हैं, जो बात आज संजय बलियान कह रहे हैं, वो बात कभी केशव मौर्य ने कही नहीं, लेकिन भीतरघात के शिकार केशव मौर्य भी थे और 2022 में विधानसभा चुनाव सिराथू से हार गए थे। और जिस अधिकारी ने केशव मौर्य के चुनाव हराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वही आदमी जो सरकारी हेलीकॉप्टर आया था, जहाज आया था केशव मौर्य को ले जाने के लिए अयोध्या, जब पता चला कि उस हवाई जहाज में बैठ के वो अधिकारी जा रहा है, रिटायर होने के बाद भी केशव जी नाराज हो गए और छुट्टी दीपावली के दिन नहीं गए। तभी भारतीय जनता पार्टी को इस पर कार्रवाई कर देनी चाहिए थी कि भाई मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री में इतनी दूरी क्यों है, पूछना चाहिए था भाई केशव जी आप दीपोत्सव के दिन आए क्यों नहीं। उसके बाद आप याद करिए 30 दिसंबर को अयोध्या में रैली थी, पहली रैली थी, रोड शो था मोदी जी का, 22 जून को जो है प्राण प्रतिष्ठा थी, तो प्राण प्रतिष्ठा के पहले केशव मौर्य ने गली गली सफाई उफाई सब कुछ करवाई ताकि बढ़िया सजे। लेकिन यूपी में क्या है कि जो भी अच्छी चीज होगा उसका एक एक गिरोह बैठा हुआ है यूपी में, वो हर चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ योगी जी को महिमा मंडित करेगा कि योगी हैं तो यूपी में बीजेपी चल रही है। अरे भैया योगी कहां थे 2017 के चुनाव में, योगी कहां थे 2014 का चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीता था और 9 विधानसभा का उपचुनाव हुआ था क्योंकि इनके 9 विधायक सांसद बन गए थे। उस वक्त योगी आदित्यनाथ को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। नतीजा ये हुआ कि 9 उस उपचुनाव में 9 में से 8 उपचुनाव योगी आदित्यनाथ हार गए। पहली बात तो सुनिए। दूसरी बात, जैसे ही योगी मुख्यमंत्री बने 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी 73 से घट के 64 पे आ गई। यह योगी जी का परफॉर्मेंस है। उसके बाद 5 साल बाद योगी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ जाता है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 325 से घट के 250 आ जाती है, 50 सीटों का नुकसान। और अभी की बार तो अद्भुत हो गया, सिर्फ और सिर्फ योगी जी के बेहतरीन शासन की वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा 66 से घटकर 36 पे आ गई। ये सिर्फ खेमेबाजी है भाई साहब। अभी भी अगर भाजपा ने समय रहते इस खेमेबाजी पे नहीं रोका, ये भाजपा के अंदर का मामला है। और उत्तर प्रदेश में हालम ये है भाई साहब कि 2-4-5 अधिकारी मिलके ये सरकार चला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जो शीर्ष नेतृत्व में 3-4, 2-1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री पटती नहीं है, वो लोग अपना राज चला रहे हैं पिछले 5 सालों से 7 सालों से 2.5 साल से इस प्रदेश में, 2 साल होने आ रहे हैं इस प्रदेश में कोई फुल टाइम फुल फेस डीजीपी नहीं आया है, कार्यवाहक डीजीपी बनते हैं, यहाँ पे मुख्य सचिव जो है वो एक्सटेंशन पे चल रहा है 2.5 साल से। और ऐसी ऐसी सीटें आप हार जा रहे हैं, संजीव बलियान मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी की हार अयोध्या की हार के बाद सबसे बड़ी हार है। और याद करिए भाई, योगी जी को बोला जाता है ना भाई अपनी बिरादरी के सबसे बड़े नेता हैं, तो क्यों नहीं भाई, जब लगातार खबरें चल रही थी कि राजपूत नाराज है, क्यों नहीं योगी जी ने इस मामले को खत्म किया, क्यों नहीं इसका, अगर योगी जी सोल्यूशन ढूंढ देते, इस समस्या का हल निकाल देते, योगी जी आज हीरो हो जाते। लेकिन नहीं, गुटबाजी। और अभी भी देखिए चुनाव हार गए हैं, 4 जून को रिजल्ट आ गया है, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार मीडिया में आके बात कर रहे हैं। राजवीर सिंह कल्याण सिंह के बेटे हैं भाई साहब, उस कल्याण सिंह के जिसने मुख्यमंत्री
लोग कहते हैं कि मैं सनातन धर्म के लिए त्याग कर दूंगा। त्याग तो कल्याण सिंह ने किया भाई साहब, 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई उसके बाद पद का त्याग किया कल्याण सिंह ने, इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मस्जिद गिराई गई है इसके लिए मैं दोषी, मुझे जो सजा देना दे दो। ये दुनिया देख रही है किसने त्याग किया है। नाम के आगे योगी नहीं लिखा था कल्याण सिंह का, लेकिन वो कर्मयोगी है थे, कर्मयोगी थे कल्याण सिंह। उन्होंने सत्ता का त्याग दे दिया, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। खैर, भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ क्या किया ये सबने देखा है। लालजी टंडन, राजनाथ सिंह और कलराज मिश्रा का नाम आता है कि इनकी तिकड़ी ने गजब का खेल कर दिया, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया और उसके बाद कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी से। तो वो जो स्थितियां थी, याद कीजिए, मैं उस दौर की बात क्यों कर रहा हूं, उस दौर में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई थी गुटबाजी की वजह से, और हुआ क्या, कल्याण सिंह गद्दी से हटे तो राम प्रकाश गुप्ता को एक छोटे समय के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद राजनाथ सिंह का मुख्यमंत्री बनते हैं, कलराज मिश्रा जो प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि इतनी बढ़िया सरकार राजनाथ सिंह चलाते हैं कि 2002 में जब विधानसभा चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी 100 के नीचे चली जाती है। उसके बाद लगातार 2002 में हारे, 2007 हारे, 2012 में हारे। तो गुटबाजी अगर भारतीय जनता पार्टी ने में नहीं रुकी, जो अब खुल के सामने आ रही है, और ये जो किसी या तो भाई कोऑर्डिनेशन ठीक करा दीजिए, एक बंद कमरे में बैठा के ये जो भाजपा के 3-4 बड़े नेता उत्तर प्रदेश, उनकी प्रॉब्लम खत्म कराइए, या एकदम नई टीम बैठाए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। नहीं तो मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी फिर उत्तर प्रदेश में जब 2002 में विधानसभा में हारे, उसके बाद अगली लोकसभा चुनाव में 2004 में अटल जी की भी सरकार चली गई थी, फिर 10 साल बाद सरकार आई है, और उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी 15 साल के लिए वनवास में चली गई थी 2002 के बाद, 2017 में बहुमत मिला था, और बहुमत भी तब मिला, फिर बता रहा हूं, बहुमत तब मिला 2017 में जब केंद्र में नेतृत्व किसके पास था, ओबीसी वर्ग के नेता नरेंद्र मोदी के पास, और उत्तर प्रदेश में कौन कमान संभाल रहा था, केशव मौर्या, ओबीसी वर्ग के बड़े नेता। और याद कीजिए 1990-91 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में खड़ा किया था कलमान, मतलब स्वर्गीय कल्याण सिंह ने, जो ओबीसी बिरादरी के सबसे बड़े नेता थे तब, और उन्होंने 1991 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई थी विधानसभा में। वो समय तब था जबकि गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी को कभी बहुमत मिला था, मैं उस दौरान की बात कर रहा हूं कि 1991 में कल्याण सिंह ने वो एक केमिस्ट्री की थी पिछड़े वर्ग के नेताओं में, हिंदुत्व का ऐसा वो मनाया था कि कल्याण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिला दिया था। तो जब जब भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी और दलित हितों के की अनदेखी की है, तब तब वो चुनाव हारी है, और 2024 के नतीजे भी यही बता रहे हैं कि एक बड़ा वोट बैंक, जो नान यादव ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक और दलितों का बड़ा वोट बैंक जुड़ा था 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसमें से बड़ा वोट बैंक अब छटक के चला गया। अरे विवेचना करनी चाहिए ना, और सही कदम तो 2022 विधानसभा चुनाव के बाद ही लेने चाहिए थे भाई, कि कहां 51 मोदी की लोकप्रियता ये थी 2019 में कि 51% वोट शेयर था, अब वो घट के 42% पे आ गया, 10% वोट बैंक का नुकसान हो गया, उसके बाद भी खेमेबाजी नहीं हो रही है, रुक रही है। अभी तो देखिए आने वाले दिनों में कितने हारे हुए नेता और केंद्रीय मंत्री, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और किस तरह से, क्योंकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को मझधार में छोड़ दिया था, और अभी भी वही चल रहा है। जिस मुजफ्फरनगर ने भारतीय जनता पार्टी के रिवाइवल की कहानी लिखी थी 2014 में,
उस मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी 2024 में हार जाती है और संजीव बालियान आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम पे। और संगीत सोम कौन है ये सब जानते हैं कि योगी जी के बड़े करीबी है। आज उन्होंने कहा है कि उनको तमाम सरकारी सुविधाएं मिली हुई हैं, सरकारी सुविधाएं सरकार को वापस लेनी चाहिए, पार्टी को वापस लेनी चाहिए। तो जो बंद कमरे की चीजें थी अब सुनने में आ रहा है संगीत सोम भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मतलब खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी तो देखते जाइए क्योंकि ये वर्चस्व की लड़ाई है, कौन किसको नीचे दिखाने के लिए काम कर रहा है ये सब जानते हैं। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, जनता ने उस नेतृत्व को चुना है उत्तर प्रदेश में, उस अखिलेश यादव के नेतृत्व को चुना है जो समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो समाज को सलूशन देने की बात कर रहे थे, उनके साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना बहुमत दिया। और आज फिर यूं लखनऊ में बुलडोजर चला है, इसी बुलडोजर की वजह से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में चुनाव हारी है और लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से 10 किलोमीटर दूर अकबर नगर में 1100 मकान बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी चेत नहीं रही है। अरे इतनी बड़ी अवैध कॉलोनी अकबर नगर पे, न्यूज लॉन्चर में मैंने स्टोरी की थी जनवरी के महीने, वहां 40 सालों से लोग मकान बना के रह रहे थे, तब एलडीए कहां सो रहा था, तब बाकी विभाग कहां सो रहे थे, नगर निगम कहां सो रहा था, बिजली विभाग कहां सो रहा था, लोगों के घर में बिजली का कनेक्शन दिया गया था, नगर निगम हाउस टैक्स ले रहा था, जलकर विभाग वहां पे पानी का टैक्स ले रहा था, ये सारे विभाग के लोग कहां सो रहे थे। योगी जी ने लोग बताते हैं 85 के दशक से वो कॉलोनी बननी शुरू हुई थी, 40 सालों में जितने भी अधिकारी वहां पोस्टेड उसमें कितनों के घर पे बुलडोजर चला योगी जी। और अयोध्या की हार के बाद भी अगर बुलडोजर का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी नहीं रोक रही है, रोकने जा रही है उत्तर प्रदेश में, तो भैया आज कई लोगों ने ट्विटर पे लिखा कि अगली बार विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ेगी। खैर ये रही आज का उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट। मैंने कहा है कि जो भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर है मैं आप तक पहुंचाऊंगा, खबर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में आके शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।